हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये पूरा विश्व कोरोना के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। और इस फाइट में हमारा सबसे बड़ा योगदान यही हो सकता है कि हम लोग अपने घर पर बने रहें। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में ये चल रहा होगा कि अब हमारी क्लासेस का क्या होगा, हमारी एजुकेशन का क्या होगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया और लास्ट फाइनली इस डिसीज़न पे पहुँचे कि हम बच्चों का लॉस नहीं होने देंगे और उन्हें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। सबसे बड़ी बात इन लेक्चर्स की ये होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ से हम अपनी स्टडी कर सकते हैं, परंतु वहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्लो नहीं है, एक सीक्वेंस नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर जो लेक्चर देंगे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस भी देंगे, जिससे कि आपका सिलेबस टाइम रहते फिनिश हो सके। और सबसे अच्छी बात यह है इस लेक्चर की कि ये लेक्चर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होंगे। यहाँ से CBSE बोर्ड के हमारे ही बच्चे नहीं, हमारे स्कूल के ही बच्चे नहीं, यहाँ से दूसरे स्कूल के बच्चे भी स्टडी कर सकते हैं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा और UP बोर्ड के बच्चे भी यहाँ से सीख सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है सॉल्यूशन के ऊपर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक वर्ष इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आइएगा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर को। मिक्सचर, तो मिक्सचर क्या होता है? आपने 9th, 10th, 11th में इस चीज़ को पढ़ा होगा कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है? इट कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। यदि दो और या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आप मिला दे तो जो बनता है उसको बोलते हैं मिक्सचर। नाउ डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। यू नो वेरी वेल मिक्सचर इज टाइप, फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इट्स कंपोजिशन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज पूरे मिक्सचर में क्या रहती है? एक जैसी रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ सुगर प्लस वाटर, सुगर या सुगर प्लस ग्लूकोज एक्सेट्रा। सेकेंड वन हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इसका कंट्रास्ट होता है, इट्स कंपोजिशन इसका उल्टा होता है, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो सीधी सी बात है कि जिसकी प्रॉपर्टीज पूरे मिक्सचर में, कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में क्या रहती है? सेम रहती है, वो क्या होता है? आपका होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज पूरे मिक्सचर में सेम नहीं रहती, यूनिफॉर्म नहीं रहती, वो क्या होता है? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज मिक्सचर ऑफ
sugar and rice. Now discuss about the solution. Let's discuss about the solution. You know very well solution क्या होता है. Solution आपने 9th में पढ़ा है. Solution is the homogeneous mixture of two or more pure substances. सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है किनका? दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का. होमोजेनियस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं हम? सॉल्यूशन कहते हैं. कंडीशन एक कि वे जो उसके कंपोनेंट है जिससे सॉल्यूशन बना हुआ है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें. ये इसकी एक कंडीशन है. अब डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं. दो पार्ट से सॉल्यूशन मिलके बना होता है. एक सॉल्वेंट्स और एक सॉल्यूट्स. सॉल्वेंट क्या होता है? जो लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन के अंदर वो सॉल्वेंट होता है. और सॉल्यूट्स क्या होता है? सॉल्वेंट्स के अलावा जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं जो कंपोनेंट सॉल्वेंट के अलावा जो प्रेजेंट रहते हैं वो सॉल्यूट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने वाटर में ग्लूकोज और शुगर मिलाया तो वाटर क्या हुआ? आपका सॉल्वेंट. और ग्लूकोज सॉल्वेंट के अलावा जो कुछ भी बच गया ग्लूकोज और शुगर क्या हो गए? सॉल्यूट्स हो गए. तो अब आपको यहां पर तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, दो कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं. बट जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे वो केवल हम पूरे चैप्टर के अंदर जो स्टडी की जाएगी यहाँ पर हमारे यहाँ पर वो केवल आपका ऐसे सॉल्यूशन की स्टडी की जाएगी केवल जिसमें ओनली टू कंपोनेंट हो. तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन. तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? इट कंटेन ओनली टू कंपोनेंट. तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? इट कंटेन्स ओनली टू कंपोनेंट्स. उसको क्या कहते हैं हम? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं. जैसे शुगर प्लस वाटर तो इसमें दो ही कंपोनेंट है, एक शुगर और एक वाटर. तो इसी प्रकार के आपके सॉल्यूशन को हम पढ़ेंगे. ऐसा कोई भी सॉल्यूशन हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे जिसमें आपका दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो. नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. तो कंसंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. अमाउंट होती है जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व रहती है. जैसे कि एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 ग्राम शुगर मिला है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 2 ग्राम पर लीटर. अब जो अमाउंट है अमाउंट मोल में भी हो सकती है, मास में भी हो सकती है, वॉल्यूम में भी हो सकती है. इसके बेसिस पे कंसंट्रेशन बहुत तरीके की होती है. तो कुछ कंसंट्रेशन प्रत्येक कंसंट्रेशन का यूज पर्टिकुलर काम के लिए किया जाता है. तो सबसे पहली कंसंट्रेशन हम डिस्कस करेंगे मास बाय मास परसेंटेज.
तो बहुत सारी कंसंट्रेशन के अलग अलग तरीके की कंसंट्रेशन निकल के आती है, और इनमें जो इनके फार्मूले बनते हैं इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है किसका फार्मूला क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका अपॉन में आएगा वो हमेशा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ही आता है। केवल कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं, कुछ ही कंसंट्रेशन ऐसी होती है जिनमें अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आता है। तो मोस्टली जैसे कि मोलैलिटी इसका एक एग्जांपल है जिसमें अपॉन में आपका अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आता है, इसके अलावा सभी में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आता है। चलेगा मास बाय मास, तो ऊपर तो कंपोनेंट आएगा, कोई एक कंपोनेंट वो हो सकता है सॉल्यूट, तो यहाँ पे क्या बने मास बाय मास, इसका मतलब इसके फेस से ही पता चल रहा है, इसके चेहरे से ही पता चल रहा है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो m बाई एम मास 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 ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100। सेकेंड वन मास बाई वॉल्यूम, तो सीधा पता चल रहा है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज है तो 100 है। फोर्थ वन पीपीएम, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, ये कंसंट्रेशन तब यूज की जाती है जब अमाउंट ऑफ सोल्यूट ट्रेस अमाउंट में हो, बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है तब पीपीएम कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो एक चीज आप देख रहे 100 नहीं, यहां पे मिलियंस है, तो 10 to power 6, यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि अपॉन में सॉल्यूशन ही आ रहा है, जो अमाउंट आ रहा है वो सॉल्यूशन का ही आ रहा है। नेक्स्ट मोलैरिटी, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर यदि वॉल्यूम आपका क्वेश्चन के अंदर एमएल में दे रखा है तो मल्टीप्लाई आप 1000 करोगे, यदि लीटर में दे रखा है तो फिर मल्टीप्लाई 1000 करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसको देखिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ आ कंपो एनी कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल
प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो क्या होता है, जैसे कि मोल फ्रैक्शन, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है मोल फ्रैक्शन को, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई, ऐसे बनता है काई। तो जैसे कि सपोज करेगा कि कोई सॉल्यूशन है आपका, इसमें दो कंपोनेंट है ए और बी कंपोनेंट से ये सॉल्यूशन बना हुआ है। तब देखिएगा, सपोज करेगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए इज एन ए एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी इज एन बी। सपोज करेगा इस सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन में ए के मोल, ए का मोल एन ए है और बी के कितने मोल प्रेजेंस है, एन बी है। तब सपोज करेगा मोल फ्रैक्शन, काई का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो नंबर ऑफ मोल ए, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रखेंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने प्रेजेंस है सॉल्यूशन में, एन ए प्लस एन बी। इसी तरीके से आपका काई भी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है वो ऊपर रखा जाता है उसका मोल और अपॉन टोटल। और हमेशा ध्यान रखना, जो आपका मोल फ्रैक्शन कभी एक से ज़्यादा नहीं होता। तो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू वन। और नंबर ऑफ मोल आप जानते ही हो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मास इन ग्राम अपॉन टोटल मोलर मास ऑफ सबस्टांस। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम लगा के इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन, क्योंकि मोलैलिटी ही एक ऐसा केस है आपका जिसमें आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, सब में सॉल्यूशन का आ रहा था, टोटल सॉल्यूशन का आ रहा था, है ना, यहां पर केवल किसका आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यदि आपका यहां पर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई आप 1000 कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखना है मोलैलिटी को, सॉरी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। अब कई बार वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में कई बार डिफिनेशन पूछी गई है, व्हाट्स द डिफिनेशन बिटवीन मोलैरिटी, व्हाट्स द डिफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। इसी तरीके से मोलैरिटी की डिफिनेशन क्या बनेगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन वन किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। वन लीटर ऑफ सोल्यूशन में जितना मोल सोल्यूट का डिजोल्व रहता है उसको मोलैरिटी बोलते हैं, और जितना वन केजी सोलवेंट में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व रहता है उसको क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। और मोल फ्रैक्शन की डिफिनेशन को सीधा बोल सकते हैं, द रेशो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। तो आप डिफिनेशन को यहीं से ही लिख सकते हैं। चलिएगा, ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें थी, यही आपको लर्न करनी है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम हेनरीज लॉ को भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपको ये सभी लर्न करना है।